नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज देश के अंदर पॉलिटिकल खबरों से भी ज्यादा अगर किसी खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो चर्चा है लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई आज अंडरवर्ल्ड का बादशाह है। हमने बहुत पहले आपको एक खबर डाली थी, अगर याद हो, कि लॉरेंस बिश्नोई अब अंडरवर्ल्ड में उसकी ताजपोशी हो चुकी है। दाऊद इब्राहिम गुजरे जमाने की बात हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर करीब 6 से 8 महीने पहले दाऊद की मौत हो गई है और उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। दाऊद इब्राहिम को उसी के रसोइये ने जहर दिया था पाकिस्तान में, और वहीं पर उसको सुपुर्द खाक सुरक्षा के बीच में किया गया, उसका काम तमाम हो गया। वो दाऊद इब्राहिम जिसने अंडरवर्ल्ड पर कई दशकों तक एक छत्र राज किया, आज वो दाऊद इब्राहिम नहीं है। लेकिन दाऊद इब्राहिम दरअसल एक धर्म विशेष का डॉन था, यानी मुस्लिम डॉन था, परंतु हिंदुस्तान को उसने बड़ी चोट पहुंचाई। बड़ी चोट सिलसिलेवार बम धमाके से लेकर सट्टा जुआ, मर्डर, एक्सटॉर्शन, बहुत सारे जराइम की दुनिया में जितने भी कांड होते हैं, दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठकर वो सारे काम करता था। और दुबई में दाऊद इब्राहिम को बाकायदा बिजनेसमैन का दर्जा हासिल था, पाकिस्तान के अंदर उसको बिजनेसमैन का दर्जा हासिल था, और इंडिया में वो सारे जुर्म करता। लेकिन बहुत समय से शायद एक हिंदू डॉन की तलाश थी और वो पूरी हुई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जेल के अंदर बैठकर लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से अपना काम कर रहा है। दरअसल है क्या, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि रॉ के नाम पर भी बड़ी चर्चा है। अब ये बड़ी बात है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो है नहीं, लेकिन सचमुच बहुत सारे केसेस, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एजेंसियां नहीं कर सकती, उसके लिए शायद लॉरेंस बिश्नोई। आपको अतीक अहमद का हत्याकांड तो पता ही होगा, इसमें सुंदर भाटी का भी नाम आया था, लेकिन उसमें एक वेपन सामने आया था, जिगाना पिस्टल, याद कीजिए। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जितनी भी हत्याएं करता है, ज्यादातर में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। आप गोगा मेडी वाला मर्डर भी देख लो। अब इसमें हम आपको ये बताते हैं कि देखिए, एक लड़का पंजाब से निकला, बलकरण सिंह बरार, यानी लॉरेंस बिश्नोई, देखने में बड़ा स्मार्ट। स्मार्टनेस के बारे में हम आपको ये बता दें कि अभी रामगोपाल वर्मा ने भी उन पर एक वेब सीरीज बनाने के लिए कहा है, और उन्हें लगता है कि किसी फिल्म स्टार में भी वो क्रेज नहीं है जो लॉरेंस बिश्नोई में देखने में आता है। बहुत स्मार्ट उसको बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बलकरण सिंह बरार उस लॉरेंस बिश्नोई पंजाब से शुरू हुआ, छात्र राजनीति से, कॉलेज में बहुत सारे दोस्त मिले, कॉलेज में झगड़े भी हुए, जेल भी गया। जेल के अंदर रंजीत सिंह दुबला नाम के अपराधी से जो आम सप्लाई किया करता था, आजकल यूएसए में है, उससे मुलाकात होती है, बाहर आता है, फिर उसे मिलता है गोल्डी बरार। जी हाँ, वही गोल्डी बरार जो फिलहाल कनाडा में है या कहाँ पर है ये तो ठीक से पता नहीं है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को गोल्डी बरार हैंडल कर रहा है। और गोल्डी बरार के बाद संपत नेहरा, याद होगा आपको अंडरवर्ल्ड में, वीरेंद्र प्रताप, काला राणा, अमनदीप मुल्तानी, ये उसके शुरुआती दोस्त हैं, और इन्होंने छात्र राजनीति से निकलकर अपराध की दुनिया में कदम रखा। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होता है, दो ही बातें, या तो छात्र राजनेता, छात्र जो संगठनों में होते हैं, या तो राजनीति में चले जाते हैं, नहीं होते तो इस तरीके से कई लोग अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ जाते हैं, जिनमें गोल्डी बरार भी, जिनमें
लॉरेंस बिश्नोई भी है क्या। अब बात करते हैं कि जब जेल जाता है तो वहां से या तो सुधर के आता है या बहुत सारे संबंध लेकर आता है। तो लॉरेंस बिश्नोई बहुत सारे संबंध अपने साथ लेके आया और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता गया, एक के बाद एक अपराध होते गए। 2014 में राजस्थान से अरेस्ट हुआ, गर्लफ्रेंड को जला दिया था उस आरोप में, जितने लोग उसमें आरोपी थे अपने मुख्य दुश्मन को इन्होंने निपटाया, भागा। 2014 में अरेस्ट हुआ। इसके बाद ये सिलसिला चल ही रहा था कि सिद्धू मूसेवाला पंजाब में एक गोल्डी बराड़ के एक रिलेटिव का मर्डर हुआ, उसमें इनको पता चला कि उसमें सिद्धू मूसेवाला का हाथ था और फिर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, दरअसल सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ चुका था, सिंगर था और सबसे ज्यादा वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में चला करता था। अब बुलेट प्रूफ में मारना इतना आसान नहीं था, इसके लिए जो हमारे सूत्र बताते हैं, हमने आप उस वक्त भी आपको खबर बताई थी, इसके लिए रशियन गन का इस्तेमाल किया गया। पहले गन इंडिया में आई, उसके बाद जिस दिन, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, जिस दिन ये मर्डर हुआ, सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, उस दिन दो रशियन शूटर भी पंजाब में थे और उन्होंने ही इस सारे शूटआउट को अंजाम दिया और उसी टाइम अपना काम करके वो नेपाल के रास्ते निकल गए। ये सोर्स पे आधारित है। अब आप ये समझिए, बहुत लंबे समय से अंडरवर्ल्ड के अंदर किसी को तो बैठना था, तो इस बार हिंदू डॉन की ताजपोशी हुई और उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। पूरी दुनिया के अंदर 700 शूटर्स की फौज है जो लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते। हाल ही में बाबा सिद्दीकी को मारा गया है, सलमान खान से जोड़कर उसको देखा जा रहा है। लेकिन दरअसल जो हमारे सोर्स बताते हैं, जो बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की जो सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं, उसमें बाबा सिद्दीकी को सलमान खान से कनेक्ट करके देखना गलत है। बाबा सिद्दीकी को मारना लॉरेंस बिश्नोई का एक अलग एक्ट है, क्योंकि अब दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए एक एक सोर्सेस को खत्म किया जाएगा चुन चुन कर, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई सबको टारगेट करेगा। सलमान खान को टारगेट करना, एक वजह यह भी हो सकती है कि हिरन, काला हिरन का शिकार वाला। और सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि सलमान खान ने बिश्नोई समाज ने उनको कई बार कहा कि मंदिर पे आप आइए और वहां पर माफी मांगिए, लेकिन सलमान खान भी नहीं गए, तो हो सकता है ये भी एक वजह रही हो। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसे वीडियो भी देखने में आ रहे, सामने आ रहे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। खास तौर पे मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ कि बिहार से सांसद हैं पप्पू यादव, बड़े वरिष्ठ सांसद हैं और वो भी बड़े अच्छे वाले रहे हैं, परंतु मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि आखिर उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को खामा खा क्यों चैलेंज किया। एक आदमी एक समय पे था, आज क्या है छोड़ दीजिए उस बात को, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आ बैल मुझे मार वाली कहावत भी चरितार्थ होती है ना। बैल जब जा रहा है तो अपना निबट लेगा, अपने अपनी तरफ को बुला के मरवाने की तो मुझे लगता है कि समझदारी नहीं है। परंतु आज जिस तरीके से इंडिया के अंदर और दूसरे देशों में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क काम कर रहा है, 700 शूटर को वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, दाऊद की तरह ये भी विदेशों से अपने पूरे नेटवर्क को हैंडल कर रहे हैं, सूचना इधर से इधर करते हैं और इनको पता है कि कहाँ मोबाइल इस्तेमाल करना है, कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, सारी सुविधाएं, क्योंकि इनके पास मनी पावर बहुत ज़्यादा है इस गैंग के पास। दाऊद ने बाद में पैसा कमाया लेकिन इनके पास पहले से ही पैसा बहुत है। आज ये जो दूसरे देशों में जितनी भी चीजें होती है, अगर आप इसको गौर करें कि
बहुत सारी चीज हमसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या रॉ के लिए काम कर रहे, तो हाँ ये रॉ के लिए काम कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को देखिए, कहीं पर भी जब ISI ने दाऊद को जम के इस्तेमाल किया, हर कांड में इस्तेमाल किया, हर चीज के लिए दाऊद को इस्तेमाल किया, तो क्या रॉ ने किया तो क्या गलत है? हमें नहीं लगता गलत है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि अंडरवर्ल्ड में जो लोग होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग एजेंसियों के लिए काम करते हैं और एजेंसियां उनको प्रोटेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन जब उनको मौका लगता है वो एजेंसियां उनको इस्तेमाल जरूर करती हैं। ISI ने बहुत ज्यादा किया है, ISI आज भी बहुत ज्यादा करती है। तो ये सारी चीजें हैं। अंडरवर्ल्ड में अब एक हिंदू डॉन की ताजपोशी हो चुकी है, लॉरेंस बिश्नोई अब निकल चुके हैं और ये अभी बहुत लंबा चलने वाला है। इसलिए अगर कोई आबैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करता तो सचमुच वो अपने आप को बिना वजह मुसीबत में डालने, टेंशन में डालने वाली बात है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई बहुत आगे जा चुका है और इतने बड़े नेटवर्क के बाद पूरी दुनिया में जो कहीं पर भी कुछ भी कराने में कामयाब हो तो सचमुच वो अंडरवर्ल्ड का बादशाह तो है ही। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।